मगर हज़रत देखिए, हर बात के हवाले से आपको जब देखते हैं ना तो वज़ाइफ की बात आ जाती है। उसकी वजह यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि देखिए हलाल रिस्क में तो यकीनन बरकत है, तो कुछ ऐसा भी है कि हमारी इस तरफ सोच ना जाए, हमारी सोच अच्छी पॉजिटिव रहे, हम पुरसकून रहें, कुछ ऐसा वजीफा है ताकि ये सोच ही ना कि जो है। अच्छा, उस की बात जरा आज मैं क्लियर जरा बता दो, नाराज रहते हैं शाह साहब, आपकी आपकी स्पेशलिटी है कि आप वज़ाइफ बताते हैं, तो वजीफे के लिए हम चाहते हैं कि जो जितने भी कम टाइम है आपसे वज़ाइफ ले, सब एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास कोई जाएगा ना, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जब बीमारी होगी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा। क्या बात, इससे अच्छी एग्जांपल मैं नहीं दे सकती। क्या स्पेशलिस्ट है हमारे, स्किन का प्रॉब्लम होगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो इस गुलदस्ते में इसको यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, बस ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कुरान और हदीस से भी साबित है और सहाबा अहले बैत से कि जिसके हलाल से ही दुआएं कबूल होंगी, जिसके हलाल की बरकत से आदमी मुस्तजाब दावत हो जाता है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम अमीर अलमुमिनीन है और आप कूफे के चौक में खड़ो के अपनी तलवार या ज़ीरा एक में है ज़ीरा और एक में है तलवार, वो बेच रहे हैं और कह रहे हैं मेरी तलवार ख़रीद लो और मैं इस तलवार के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शामिल हुआ हूँ। कई बार लोगों ने कहा अमीर अलमुमिनीन तलवार क्यों बेचते हो, कहा कि मेरी जो तहमद है उसमें मेरे तहमद में तहमद लगाने की जगह नहीं है। अमीर अलमुमिनीन है, बैतुल माल के भी मालिक है, क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि अपनी तलवार को फरोख कर रहे हैं कि जो तहमद आप पहनते हैं इरशाद फरमा रहे कि उसमें पहमद की जगह भी नहीं है, तो मैं वरना मैं ये तलवार ना बेचता। तो हकीकत यह है कि हज़रत आज हमारे सिपा सालार हमारे इदारों के सरबराहों का क्या हाल है हमारे लिए बड़ा अलमिया है। तो मैं इस हवाले से एक वजीफ़ा अर्ज कर देता हूँ कि जिससे रिस्क के हलाल में बरकतें हों, और जी जी फरमाइए फरमाइए सही बात है, लुक्मा हराम की नहुसतें हमारे सामने, रिस्क के हलाल की बरकतें, तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम हमारे सामने हमारे अकाबरीन पहले सादा ज़िंदगी गुजारते थे, आज ऐशो आराम ने, आज नफसानी ख्वाहिशात ने हमें अंधा बहरा गूंगा कर दिया। तो इसमें एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ कि इंशाल्लाह इसकी बरकतें जितने नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं मुशाहिदा है कि नेमतों की बरकत होगी और अल्लाह ताला रिस्क के हलाल की तरफ दिल मायल कर देगा। इसमें अगर नियत का भी है, हम अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं ये दुआ तो मांगे अल्लाह हमें रिस्क के हलाल अता फरमा, आमीन, वो कादर मुतलक है ना सर, बेशक बेशक, जब वो सातों ज़मीनों में जानवरों को चरिंद परिंद को कीड़ों को खुराक दे सकता है जिनके पास कुछ नहीं है, परिंदे अकलो शऊर नहीं है उनको खुराक मिल रही है, तो इस पर कादिर है, हमें भी रिस्क हलाल जो सुजू तो हमने करनी है, कोशिश करनी है, कम से कम हम दुआ तो मांगे, नियत तो करें कि हमें रिस्क हलाल ही खाना है, अपनी औलाद को रिस्क हलाल देना है। तो खुदा की कसम क्या होगा, आदमी जमीन पर चल रहा होता है और उसके तस्करे जन्नत में हो रहे होते हैं, आदमी जमीन पर चल रहा होता है फरिश्ते उस पर फख्र कर रहे होते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन वजीफा है कि ये एहतमाम भी है, घर वाले जिस दिन ये पढ़ाई करनी हो घर के खिड़की दरवाजे वगैरह धुला दें, धो दें, सफाई करवाएं घर की, और फिर बावजू बैठ जाएं रात के वक्त मगरिब के बाद ईशा के बाद जब आपको आसानी, बैठकर दो या तीन अफराद घर के जमा होकर सूरह मुजम्मिल 41 टाइम पढ़ेंगे 41 मरतबा, जिनके कारोबार नहीं चल रहे, जिनके रोज़गार नहीं है, अभी तो आपके सामने हालात चल रहे, मार्केटें बंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यह ऐसा बेहतरीन अमल है सूरह मुजम्मिल, कम से कम तीन शब जुमा या पाँच शब जुमा इसको मामूल बनाएं, 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल का विर्द करें यकीन कामिल के साथ, इंशाल्लाह रिज़्क़ की फरावानी होगी और अल्लाह ताला आपके लिए अपने खजानों के मुंह खोल दें। ऐ नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहे लौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तू इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।